Good morning, students. Today our topic is expanded form. हमें expanded form में लिखना है. मैंने आपको कल बता दिया था expanded form में कैसे लिखते हैं और short form में कैसे लिखते हैं. आज हम question solve करेंगे. First हमारा दिया है 427. हमें 100, tens, ones पे हर जगह पर उसके numbers को write करना है. 100 कितने? 400. Tens कितना? 2, 20. Ones कितना? 7. Right? अब हमें इनको आपस में प्लस करके भी लिखना है. It means 400, tens और ones. इन सबको आपस में प्लस करके भी क्या करना है? Write करना है. Next question देखिए शुरू. 532. Hundreds कितना? 5. Tens कितना? 30. Ones कितना? 2. Next question. 452. 100 कितना? 400. Tens कितना? 50. Ones कितना? 2. 360. 100 कितना? 300. Tens कितना? 60. Ones कितना? 0. Ones हमारा है ही नहीं. 239. 100, 200, tens, 30, ones, 9. ये था हमारा expanded form में. अब देखिए हमें आगे question को expanded form में दिया है. हमें किस में लिखना है? Short form में. अब देखिए 500 plus 4 tens plus 7 ones. तो हमें इसको क्या कर रहे हैं? 400 plus 40 plus 7. 447. ये है हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा आता है 700, 2 tens, 4 ones. 700, 2 tens, 4 ones. तो इन दोनों का प्लस करेंगे 724. नेक्स्ट है 900, 8 tens, 2 ones. 900, 8 tens, 2 ones. 982. अब अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ स्टूडेंट्स, तो जो हमारी डिजिट दी गई है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, हमें इन सब के पीछे ones के प्लेस को तो ones की जगह as it is लिख देना है, tens के प्लेस पे 110 लगा देनी है और 100 के प्लेस पे 220. ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड जो फॉर्म जो हमने कल भी किया था. आपको अब हम ले चलते आगे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, वो भी मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सर्कल द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर. हमें सर्कल लगाना है हर पेयर पे, यानी कि हर जोड़े पे कौन सा ग्रेटर है. ए है हमारा 230, 244. अब विच इज ग्रेटर देन. अब देखिए 2 दोनों में इक्वल है, 3 एंड 4, तो विच इज ग्रेटर. बी पार्ट देखिए 345, 298. विच इज ग्रेटर देन 345. नेक्स्ट है सी पार्ट 186, 157, 186. नेक्स्ट डी पार्ट आएगा 398, 378. विच इज ग्रेटर, देखो 3, 3, 7 एंड 9, तो 9 इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर. ई पार्ट 180, 118. अब देखिए 1 तो दोनों में सिमिलर है, बट 8 एंड 1, तो 180. नेक्स्ट हमारा आता है एफ पार्ट 168,
186. जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डिजिट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें फर्स्ट से ही देखना है, 1 1 दोनों में इक्वल है, 6 और 8 तो 8 बड़ा है, तो हम आगे की डिजिट को चेक ही नहीं करेंगे, हम उसी के ऊपर सर्कल लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्कल करना है हमें स्मॉलर नंबर पे, सर्कल द स्मॉलर नंबर, इन ईच पेयर। नाउ द स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर ए आता है 134, 203। अब इसमें हमें स्मॉलर नंबर निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉलर 1 2, तो विच इज स्मॉलर 1। अब नेक्स्ट हमारा आता है बी पार्ट 190, 209, 1 2, ये सी पार्ट 143, 147, 1 4, 1 4, 3 and 7 विच इज स्मॉलर देन 3, डी पार्ट 347, 247। देखिए 34 and 24 विच इज स्मॉलर देन 24, 287 and 290, 2, 2, 8 and 9 विच इज स्मॉलर 8, एफ पार्ट 434, 415। फोर दोनों में सिमिलर 3 and 1 विच इज स्मॉलर 1। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स, अब हमें सर्कल करना है, 3 डिजिट में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दे रही हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ए पार्ट हमारा आता है 236, 231, 239। अब देखिए 2 तीनों में सिमिलर, 3 भी तीनों में सिमिलर, अब 6, 1 और 9 तीनों में से कौन सा बड़ा है हमें वो देखना है, ग्रेटेस्ट पूछा है बड़ा देखना है, 1, 9, 6 कौन सा बड़ा है, 9, तो इस पे सर्कल लगाना है हमें। तो स्टूडेंट्स अब आपका होमवर्क है, ये है आपका HW, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर और सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है और इसमें सबसे छोटे नंबर को सर्कल करना है, तो ये है आपका HW।